क्या आप लोग भी अच्छे खासे TWS ईयरफोन्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है कि कौन सा वाला आपके लिए बिल्कुल सही है, तो इस वीडियो को मेरे साथ आगे तक देखिए और जानिए कि वो कौन सा ईयरफोन हो सकता है। तो चलो यार देखते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ TWS कंसिडर करते टाइम पे खरीदते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो यार देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कंफर्टेबिलिटी और फिट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, फिट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमें चाहे छोटे स्पैन ऑफ पीरियड के लिए पहनना है या फिर बड़े पीरियड के लिए, हमारे लिए कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इन कंसिडरिंग TWS, क्योंकि TWS हमारे कान में फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक इन ईयर होता है, एक हाफ इन ईयर होता है। हाफ इन ईयर होते हैं एप्पल के एयरपॉड्स या उस टाइप के डिजाइन, जिसमें आपका आधा ही कान कवर होता है बाकी आपका बाहर पड़ा रहता है। इन ईयर होता है इस टाइप के, जिसके अंदर ये रबराइज कोटिंग होते हैं, जिसके होते हैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहता है, कान में होल्ड होता है और आपका जॉगिंग हो, छोटे मोटे वर्कआउट्स हो, काफ़ी चीज़ों में गिरता नहीं कान से, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। पर ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी किसी कान में हाफ इन ईयर चल जाते हैं, किसी किसी में इन ईयर ही चलते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोटिस कर लीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल फिट रहता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहते हो, उसको पहले कंसिडर करना, पहला पॉइंट खत्म होता है। फिर आते हैं सेकंड बारी, वो होते हैं कनेक्टिविटी की। सेकंड पॉइंट होता है कनेक्टिविटी। इसमें होता है जो ईयरफोन्स कनेक्ट होते हैं आपके फोन के साथ, वो होता है ब्लूटूथ के थ्रू। तो ब्लूटूथ भी अभी जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट, वो है 5.1। तो अगर आप कंसीडर करते हैं तो प्लीज़ मिनिमम 5.0 पे जाना, नहीं तो 5.1 पे, क्योंकि जितना अगर पुराना होगा उतने सीमलेसली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना लेटेस्ट आप ब्लूटूथ वर्जन चूज़ करोगे अपने ईयरफोन्स में, उतना सीमलेसली वो कनेक्ट होगा आपके फ़ोन के साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट रहेगा 5.1 वाला, नहीं तो 5.0 भी चलेगा, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। अगली चीज़ आती है ऑडियो कोडेक। कोडेक जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, जो हमारे साउंड होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंप्रेस एंड ऑल करने के लिए होता है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुस रहा, मैं आपको बस ये ऊपर से बता रहा हूँ। तो जब भी आप ईयरफोन कंसीडर करते हो उसकी स्पेसिफिकेशन जरूर रीड करना, ये नहीं कंपनी को देख के, क्योंकि हर कंपनी अच्छे भी बनाते हैं, सस्ते भी बनाती है और बेकार नहीं बनाती, बट स्टिल उतने अच्छे नहीं बनाती। तो स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करना है कि उसका ऑडियो कोडेक क्या लिखा है। सबसे बेस्ट होगा अगर आप देखोगे APTX HD, ठीक है, तो इनको जरूर देखना, या फिर LDAC करके, अगर जो नॉर्मल कोडेक्स होते हैं वो AAC होता है या SBC करके होता है। तो इनके अंदर और APTX में फ़र्क क्या होता है, मैं ऊपर से जल्दी बता देता हूँ। जो APTX वाले होते हैं उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है, बेस क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छी आती है, और ये डिपेंड करता है साथ ही साथ आपके ड्राइवर्स के साथ, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट ये है ड्राइवर्स। जब भी आप ईयरफोन ले रहे हो ना, तो अगर आपका ड्राइवर जरूर देखना स्पेसिफिकेशन में कितने mm का ड्राइवर है, क्योंकि जितने ज़्यादा mm का ड्राइवर होगा उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी लास्ट प्रीवियस पॉइंट में बोला, कोडेक जो ऑडियो कोडेक होता है वो जितना APTX और अच्छे वाला होगा, और जितना हमारा अच्छा ड्राइवर होगा ऑडियो, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट मिलेगा बहुत सही मिलने वाला और प्रीमियम लेवल का मिलता है। तो इसीलिए जब भी कंसिडर करो, तो 7 से 10 mm के बीच में अगर आपका ड्राइवर है तो मतलब आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी मिलेगी, और आप कंसिडर कर सकते हैं 10 से लेके ज़्यादा जितने भी आते हैं उतनी ज़्यादा आपको प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी, अगर आपका बजट भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा mm होगा ड्राइवर का उतनी ज़्यादा बजट बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें आती है उसके लिए प्राइस देना पड़ता है। तो यही चीज़ है, इसका ज़रूर ध्यान देना है, जितना ज़्यादा mm हो, ध्यान से सुन लो, mm हो उतना ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा mm है तो और बाकी चीज़ें कंसिडर नहीं होगी, होगी तो mm भी कंसिडर करना बाकी चीज़ों के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टच कंट्रोल्स और जेस्चर कंट्रोल्स। क्योंकि जो सस्ते वाले ईयरफोन्स होते हैं, मैं दो सस्ते वाले इसलिए कह रहा हूँ कि जो अंडर 2000 rupees आते हैं वो थोड़े से मतलब बेसिक नीड्स में आते हैं, जो 4000+ आते हैं उनको मैं बोलता हूँ थोड़े अच्छे, थोड़े से उनसे तो कंसिडरेबली प्रीमियम ही होते हैं। तो जो नॉर्मल ईयरफोन्स आते हैं, जैसे मैं बोलता था रेडमी के जो ईयरबड्स आते थे 18,000-19,000 के जो आते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हमें मिलते हैं बटन्स इन प्लेस ऑफ दिस टच सेंसर्स। तो जो ये होते हैं, जो टच मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ टच वाले, क्योंकि वो उतने सीमलेसली चलते हैं, बट टच वालों के साथ क्या होती चीज़, हमें ना एडजस्ट होने में, जो पोजीशन होती है जहाँ पे टच पैड होता है वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा जरूर टाइम लगता है, एक दिन कुछ लगता है, उसके बाद आप एडजस्ट हो जाते हो कि एक टच पे चल रहा, नहीं तो आप कहीं और ही क्लिक कर रहे हो तो पूरे में। जैसे मीवी का मैं कंसिडर करता हूँ एग्जाम्पल, ये जो जहाँ पे मीवी लिखा है वहीं पे इसका टच पैड है, अगर मैं सिंगल बार टैप करूंगा तो प्ले पॉज हो जाएगा, अपने राइट ईयरबड से डबल टैप करूंगा तो नेक्स्ट सॉन्ग आता है, फिर लेफ्ट वाले ईयरबड से डबल टैप करूंगा प्रीवियस आएगा, 3 बार ट्रिपल टैप करूंगा तो गूगल असिस्टेंट ट्रिगर होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, फीचर्स इन प्लेस ऑफ बटन्स, और जिन लोगों को बटन्स पसंद है वो बटन वाले भी खरीद सकते हैं, पर और थोड़े से लो एंड वाले ईयरबड्स में आते हैं, प्रीमियम वाले में सब टच ही देते, तो टच ही कंसिडर करना है अच्छे खासे लेना। तो ये चीज़ मैंने बता दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैटरी, ठीक है, बैटरी और चार्जिंग। जो वन ऑफ द मेन मेरे को जो इसका हाईलाइट लगता है जैसे ईयरबड्स के TWS के, वो है इनका जो चार्जिंग केस होता है, क्योंकि जो नॉर्मल नेक बैंड्स होते थे, मैं भी यूज़ करता था,
तो उसमें क्या होता था कि मैंने लिमिटेड टाइम के लिए चार्ज कर लिया, 4 घंटे 5 घंटे तक बैकअप मिलेगा मुझे, मैं यूज कर लेता था खत्म, फिर मुझे चार्जिंग पे प्लग करना ही पड़ता था। इनके साथ मेरे साथ क्या एडवांटेज होती है TWS के साथ कि मैंने सुन लिया जैसे पावर पावर ऑफ या कुछ भी आ जाता है कि पावर ऑफ हो रहा है तो लगा दो चार्ज हो जाएगा, नहीं तो भी अगर जब आपका काम नहीं आ रहा या आपको दिख जाता है कि बैटरी नोटिफिकेशन कम है, 30% है, 10% है, आपने अब केस खोला वहाँ पे रखा, विद इन 10, 20, 30 मिनट्स ये 50% हो जाएगा या 60% हो जाएगा, तो आपका सीमलेसली काम हो सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल अटकेगा, आपको बैठना पड़ेगा एक घंटा की फोन ईयरफोन जैसे ट्रेडिशनल होते थे उसमें वेट करना है, नहीं, अगर आपको एक में भी कम है पता चल जाता है, एक वाले ईयरबड में कम है तो एक को रख लो, एक से आप सुन सकते हो, वो चीज़ नहीं हो सकती है नेक बैंड्स में। तो ये मुझे एक वन ऑफ द मेन एडवांटेज लगता है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की डेट में इसके अंदर जो पोर्ट्स आते हैं वो USB टाइप सी आते हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास मीवी है इसमें पुराना USB माइक्रो USB पोर्ट है, बट जो आज की डेट में जो फोन्स आते हैं वो भी मेरे को भी पता है, आपको भी पता है USB टाइप सी के आते हैं। तो जब भी एक अच्छा खासे TWS कंसीडर करो तो प्लीज USB टाइप सी वाला ही कंसीडर करना, जिससे कि आपको केबल के दो दो केबल लेके घूमने की जरूरत ना पड़े, जैसे मेरे को इसके साथ पड़ती है मीवी के साथ, ये वाला जो M20 है उसके साथ पड़ती है क्योंकि ये टाइप USB टाइप का है, तो मेरे को USB टाइप का केबल भी लेना पड़ता है, उसको मैं लगा तो अलग से चार्जिंग पे, और बाकी मेरे OnePlus के लिए या जो भी मेरा फोन है OnePlus Nord के लिए तो मेरे को USB सी टाइप सी का चाहिए होता है, तो मेरे को थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, बट ये चीज़ होती है, तो आप प्लीज़ ये कंसीडर करना कि USB टाइप सी वाला ही लो। साथ ही साथ USB टाइप सी होता है तो हमें फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग वाले भी मिलते हैं हमें कि 10 मिनट चार्ज करो तो आपको इतने घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का, 10 घंटे का पावर मिलता है ईयरबड्स में। तो TWS में कंसीडर कर सकते हैं, आप फास्ट चार्जिंग भी देख सकते हैं साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया USB टाइप सी। साथ ही साथ एक और चीज़ मिलती है वायरलेस चार्जिंग का, जो कि बहुत सही है और सस्ते से सस्ते में मिलता है, वो है रियलमी बड्स में, जो रियलमी बड्स आए थे उनके अंदर मिलता है आपको कि आपके पास अगर चार्जिंग, जिन लोगों ने पता वायरलेस चार्जिंग कैसे होती है, उसमें आपको चार्जिंग पैड होता है जहाँ पे एक पावर सप्लाई होती है, उस पर आप अपना ईयरफोन सॉरी ईयरबड विदाउट विद केस डाल दो और उसके अंदर ईयरबड्स रखो, तो यहाँ पे केस का जो LED नोटिफिकेशन होता है वो चलता है और आपको पता चल जाता है कि फोन आपका ईयरबड सॉरी फोन नहीं ईयरबड चार्ज हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा, जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा और लगता है कि उसमें भी केबल भी आपको लगाना ना पड़े, जिन लोगों को या फिर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इनका फोन सपोर्ट करता है वही लोग रखेंगे, तो आपका फोन भी साइड बाय साइड होता रहेगा और ईयरबड्स भी होते रहेंगे, जो कि थोड़ा और कन्वीनियंस बढ़ा देता है, तो इसका भी आप जरूर कंसीडर करना अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करते हैं। अगली चीज़ वो आती है लो लेटेंसी मोड। लो लेटेंसी होता है गेमिंग के लिए या फिर नॉर्मल ऑडियो आउटपुट, जिन लोगों को नहीं पता वो ये होता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल गेम खेल रहे हो, गेम पर मैंने फायर करा, फायर ट्रिगर करते ही मेरे को ऑन द स्पॉट कान में आवाज़ आनी चाहिए फायर की, बट अगर एक या दो सेकेंड के डिले के बाद आ रही है तो मतलब लेटेंसी इसकी लो नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम है, मतलब वो उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं देता। वैसे वीडियो प्लेबैक में कि वीडियो वहाँ पे लिपसिंग अलग चल रही है, आवाज़ कुछ पहले की आ रही है, उसमें मतलब पूरा एक्सपीरियंस रुइन कर देता है, तो इस चीज़ का भी कंसिडर करना। पहले एक टाइम था जब ये जो एयरफोन्स आते थे उनके अंदर वो उस लेवल की क्वालिटी नहीं हो पाती थी लेटेंसी की, बट आज की डेट में जितने भी एयरबड्स आ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग लो लेटेंसी, जिसके होते हुए आप अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट पर्पज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो प्लेबैक्स में एंड ऑल में, तो इसका भी जरूर कंसिडर करना। लो लेटेंसी देखना कितने सेकेंड की है, जितना कम से कम होगा उसके लिए उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप विदाउट एनी हर्डल आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, तो इसका भी जरूर ध्यान रखना। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, लेटेंसी भी कवर हो गया, अब आता है हमारा नॉइस कैंसिलेशन और एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन। दोनों में फर्क क्या है, जो नॉइस कैंसिलेशन होता है जिसके होते हुए आपको फोन ईयरबड के अंदर ऐसा फीचर मिलता है जिसके होते हुए आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड की नॉइस सुननी है या बिल्कुल एकदम शांत होकर एकांत में आपको बस ईयरफोन के अंदर से जो भी आउटपुट आ रहा है वही सुनना है, तो वो होता है नॉइस कैंसिलेशन। वो मिलता है महंगे से महंगे जितने भी ईयरबड्स होते हैं उनके अंदर बहुत प्रीमियम क्वालिटी का नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। उसका एग्जांपल बताओ तो एयरपॉड्स प्रो एप्पल के 25 या 24-25 हज़ार के आते हैं, उसके अंदर परफेक्ट लेवल का आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं आपको अगर आपको बजट भी है और आपको एप्पल के प्रोडक्ट पसंद भी है और आपको अच्छी खासी नॉइस कैंसिलेशन सुननी है तो वो कंसिडर कर सकते हैं। सस्ते वाले में और कंपनीज पे भी आते हैं बट उस लेवल का नहीं दे पाता जो हमारा एयरपॉड्स प्रो देता है। फिर अब आते हैं हमारा अगला जो है वो है एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन। वो क्या होता है, एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन भी एक ऐसा फीचर है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनबिल्ट आपका कोई फीचर है, उसके होते हुए मतलब ईयरबड का डिजाइन ही ऐसा बना होता है जिससे कि आपके कान में एकदम अंदर तक जाता है और वो ऐसा वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे कि आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती, तो इसीलिए उसको एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन कहता है। थोड़ा बहुत कट करता है, ब्लॉक करता है, बट आवाज़ तब भी आती ही आती है, उस लेवल की नहीं आती जितने हमारे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की साइड जा सकते हैं, नहीं है तो मतलब जो
6-7 हज़ार से कम के जो ईयरबड्स आते हैं या 5 हज़ार से कम के, उनके अंदर ये एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन होती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार 5,000-6,000 तक की मोस्टली ऑफ द नॉर्मल जो बंदे होते हैं, मेजोरिटी बंदे उतने ही खर्च करते हैं, या फिर जो बता रहा हूँ मैक्सिमम बताया मैंने ये भी, मेजोरिटी में भी जो होता है जो थोड़ा सा जिनको प्रीमियमनेस का शौक होता है वो 5-6 हज़ार करते हैं, नहीं तो जो मेजोरिटी है वो करती है 2.5 से 3-3.5 हज़ार का ही बजट रखती है एक अच्छा खासा ईयरबड लेने में। क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि ईयरबड्स चाहिए TWS अंडर 3,000-3,500 तक ही बोलते हैं लोग, तो वही क्योंकि मैक्सिमम रेंज होती है लोगों की, उतने के अंदर उनको डिसेंट मिल जाए, इसमें लो लेटेंसी भी हो, ब्लूटूथ का साउंड ब्लूटूथ 5.1 भी हो, अच्छा खासा साउंड क्वालिटी भी हो, तो वैसे ही लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप कंसिडर करते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन अकॉर्डिंग टू ए बजट कर सकते हैं। अब बजट की बात कर रही है तो नेक्स्ट एंड अवर लास्ट पॉइंट इज प्राइस। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैं बोलता हूँ, पैसा जितना तुम दोगे उस हिसाब से आपको प्रीमियमनेस बढ़ती रहेगी। 1800 में जो MM ड्राइवर होगा वो आपको 30,000 में या 20,000 वाले या 10,000 वाले में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही इम्प्रूव मिलेगा। तो वही जैसा आपका बजट है, अगर आपका 5,000 का बजट है तो आपका 4 ईयरबड्स होंगे, फिर आपको कंसिडर करना जितने मैंने पॉइंट्स बताए, आपका कंफर्टेबल फिट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग, ड्राइवर्स कौन से हैं, ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है, फिर आपकी कंपनी कौन सी है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है नहीं मिल रही, वायर्ड है नहीं है, वो आप कंसीडर करो, फिर शॉर्टलिस्ट करो, कोई एक या दो निकलेगा, फिर उसमें से आप कंसीडर करना कौन सा अच्छा है या नहीं है, आपके लिए सूट करता है कि नहीं। तो इसलिए प्राइस डिपेंड करता है, जितना प्राइस दोगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियमनेस मिलेगा, ये तो है ही नॉर्मल। तो एज एन ओवरव्यू मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो एक ईयरबड TWS ईयरबड लेते टाइम पे ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉब्लम्स आती है, परेशान होते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो अगली बार जब भी आप लोग कंसिडर करो TWS लेने के लिए, तो ये सारे प्लीज़ जितने मैंने पॉइंट्स बोले प्लीज़ इनको कंसिडर करना, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, उससे आप शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट कर पाओगे कि ये चीज़ें हैं, फिर उसमें से आप उनमें जब आपको शॉर्टलिस्ट मिल जाते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स या 2-3, फिर आपके पास होता है एक एक फीचर को कंपेयर करो कि ये इसके अंदर ये है एनवायरमेंट उसके अंदर एक्टिव है, फिर इसके अंदर क्या है, फिर उनके अगेंस्ट आप देख के कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप हम में से किसी टेक चैनल में जाके रिव्यूज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, फिर आपको लगेगा आपके लिए बेस्ट है तो वो अलग खरीदिए। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, और अपना कमेंट प्लीज़ लिख देना अगर मेरी वीडियो ने हेल्प किया तो प्लीज़, और कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को प्लीज़ फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी डील्स डालता रहता हूँ, चाहे वो ईयरफोन्स की हो, फोन्स की हो, कुछ भी हो, अच्छी खासी डील्स डालता रहता हूँ, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और ना सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतने, मैं आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो पता ही वीडियो कर देना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बड़े वीडियो में, टिल देन बाय बाय।